गौचर एक ऐसा शहर जो सदियों से समर्पित है गौवंश की सेवा के लिए। और जैसा कि इसके नाम से भी हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, लोक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं जब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रही थी, तब उन्होंने इस स्थान पर गायों की बहुत दुर्दशा देखी और तब उन्होंने गायों के लिए इस स्थान को दान कर दिया और तभी से इस भूमि को, इस क्षेत्र को गौचर के नाम से जाना जाता है। सात पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एक बहुत ही प्यारा सा शहर है जो अपने ऐतिहासिक और औद्योगिक मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है और जिसे हम सभी लोग गौचर मेले के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही वर्ष 1998 में यहाँ पर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया, जिसकी वजह से गौचर आज हवाई यातायात के लिए एक सुविधा का केंद्र बन चुका है। तो आइए अब बात करते हैं गौचर की आराध्य देवी यानी अधिष्ठात्री देवी माता कालिंका की। माता कालिंका जो कि प्राचीन काल से ही ग्राम भटनगर में विराजमान है, जिसे कि माता का ससुराल माना जाता है। माता पूरे नगर क्षेत्र की रक्षक देवी मानी जाती है। उत्तराखंड में भाद्रपद मास यानी कि सितंबर में अपनी ध्याणियों अर्थात बेटियों को मायके बुलाने की एक परंपरा है और यहाँ देवियों को भी ध्याणिया माना जाता है। इसीलिए इस माह देवियों को भी ससुराल से मायके की ओर बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार कर उन्हें प्रेम पूर्वक ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है। इसी प्रकार माता कालिंका को उनके ससुराल ग्राम भटनगर से उनके मायके जो कि सेरा पनाई में है बुलाया जाता है। 3 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाती है, भजन संध्या की जाती है, भक्तगण बहुत दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और अंततः 3 दिन पश्चात अर्थात अष्टमी के दिन भेंट पावड़ी देकर माता को ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है। कभी दारू जानी लाड़ी कभी गए